अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक है, खैरियत और मज़े में होंगे। तो आज मैं एक और वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं आप सबके लिए। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो हम आपके लिए जल्दी जल्दी जो है वो वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पाते हैं, तो उसके लिए हम आपसे माजरत करते हैं। वेल दोस्तों, आप सबको हम हमेशा की तरह एक ही बात करेंगे, एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो जो है मेरे चैनल को अपने जीमेल के अकाउंट लॉग इन करके जो है वो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। वेल दोस्तों, यहाँ पर जो है वो आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपनी गाड़ी को जो है वो किस तरह से सर्विस करवाएं और आपकी गाड़ी की सफाई जो है वो आप किस तरह से करवाएं, तो ये हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो। वेल दोस्तों, आज जो है इस वक्त मेरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल एक एक तरह से जो है वो मैं बारिश के मौसम में जो है वो बारिश पे मैंने गाड़ी को चलाया है और मेरी गाड़ी की जो हालत है वो बिल्कुल इस वक्त ख़राब है और गाड़ी जो है मेरी इस वक्त बहुत जो है वो मिट्टी से भरी हुई है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो हम अपनी गाड़ी को यहाँ सर्विस स्टेशन पर लाएंगे और सर्विस स्टेशन पर जो है वो हम इसे ऊपर आके खड़ा करेंगे। सर्विस स्टेशन पर खड़ा करने के बाद क्या होगा कि आप जो है वो उसको जो सर्विस वाला है, जो सर्विस करता है, जो आपकी गाड़ी की सफाई करेगा, तो आपने उससे कहना है कि भाई देखो, हमारी गाड़ी का जो है वो पहले तुम जो है वो रूम जो है वो अंदर वाला रूम जो है वो इनर साइड जो है गाड़ी की वो तुम जो है वो क्लियर करो। फिर उसके आपकी जो गाड़ी के आप जो पायदान होते हैं, जो नीचे आपके लगे होते हैं जिनके ऊपर आप पाँव रखते हैं, पायदान जिसे हम कहते हैं, वो आप धुलवाना चाहते हैं या फिर उनको आप ऐसे ही हवा लगवाना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से जो है वो क्लियर करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप गाड़ी सर्विस करवाते हैं तो आप पायदान को भी धुलवा लिया करें, क्योंकि जब तक आपकी गाड़ी सर्विस होगी तब तक जो है वो आपके पायदान बिल्कुल सूख जाएंगे और फिर आप उसे अपनी गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद जनाब आप क्या करें, कि आप जो है वो उसे जो सफाई वाला है, जब आपकी गाड़ी का इनर रूम वो क्लियर कर दे, साफ कर दे और पायदान निकाल दे और हवा लगा दे अंदर से, तो उसके बाद आप उसे कहें कि आपकी जो गाड़ी है उसको अंडर सर्विस करें, नीचे से जो है वो उसके गाड़ी को जो है वो क्लियर करें। क्योंकि नीचे जब आपकी गाड़ी को वो क्लियर करेगा पहले, तो फिर क्या होगा कि ऊपर से जब गाड़ी क्लियर बॉडी वॉश हो जाएगी तो उसके बाद क्या है कि बॉडी के ऊपर कोई भी निशान या कोई भी मिट्टी वगैरह जो है वो नहीं रुकेगी और आपकी गाड़ी जो है वो पहले नीचे से अंडर सर्विस होना लाजमी है। तो उसके लिए आप क्या करें, नीचे से अपनी गाड़ी को जो है वो पहले कुछ डीजल वगैरह लगवा के अपनी गाड़ी की जो है वो रगड़ाई करवाएं नीचे से, ताकि जो जंग वगैरह है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी गाड़ी के लिए नुकसानदह है तो वो क्लियर हो जाए और आप अपनी गाड़ी को जो है वो अंदर नीचे से जो है वो क्लियर करवाएं पहले। नीचे से क्लियर करवाने के बाद क्या है, उसके बाद वो आएगा आपकी गाड़ी की जो ऊपर वाली बॉडी है उसके ऊपर आएगा और फिर जो है आपने उसे ये भी कहना है, क्योंकि ये अगर आप नहीं कहेंगे तो भी वो करेगा और अगर आप कहेंगे तो वो एक आपके लिए और आपकी गाड़ी के लिए जो है दोनों चीज़ों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपकी गाड़ी को आप ही जानते हैं, वो जो है इस तरह से नहीं जानेंगे, क्योंकि जब तक आप उसे कहेंगे नहीं सफाई वाले को, सर्विस वाले को, तब तक जो है वो उस हिसाब से साफ नहीं करेगा जिस हिसाब से आप जाने। फिर आप अपनी गाड़ी को जो है वो गाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो टायर हो गए या बॉडी हो गई, इसे आपने क्लियर करवाना है। पहले आप देखें टायरों को, आप क्या करें, सर्फ वगैरह लगवा के सर्फ वगैरह से धुलवा लें और आपकी गाड़ी के टायर जो हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए, क्लियर, बिल्कुल ब्लैक और क्लियर साफ होने चाहिए ताकि आपकी गाड़ी एक अच्छा लुक दे। उसके बाद आप गाड़ी की बॉडी को जो है वो उससे वॉश करवाएं और बॉडी को वॉश करवाने के बाद जो है वो आप उसे वो अगर आपकी गाड़ी की बॉडी को सर्फ लगाता है तो आप उसे सर्फ लगाने से मना करें, सर्फ अगर लगाता है तो आप उसके बॉडी के ऊपर जो है वो सर्फ ना लगाने दें। इसकी एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ।
कि क्यों आप ना उसे लगाने में, क्योंकि जो सरफ होता है उसमें केमिकल्स होते हैं और वो जो है वो आपकी गाड़ी के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी का कलर जो है वो डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है और धुंधला हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करें कि आपकी बॉडी, आपकी जो कार की बॉडी है उसको आप कोशिश करें कि कोई शैम्पू जो है वो ही यूज़ करें, क्योंकि शैम्पू में इतने ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते बसूरत सरफ की। तो अब शैम्पू जो है वो आपकी कार की बॉडी को जो है वो सही तरह से क्लियर करेगा, और आप जो है आपकी गाड़ी को एक शाइनिंग भी मिल जाएगी और आपकी गाड़ी गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्लियर और साफ भी हो जाएगी। जब आपकी गाड़ी की बॉडी और आपकी गाड़ी के टायर और आपकी गाड़ी का अंडर जो सर्फ हो जाए, आपकी गाड़ी बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो उसके बाद आप एंड में क्या करें कि आप उसे कहें कि आपकी जो गाड़ी है उसको वो कपड़ा लगाए। जब कपड़ा लगाएगा आपकी गाड़ी को, तो आप उसे मतलब खड़े होकर आपने कपड़ा लगवाना है, जहाँ जहाँ पर आपको गाड़ी सफाई मज़ा ना दे तो उसे आपने कहना है कि यहाँ पर साफ़ नहीं है, यहाँ पर कपड़ा लगाओ, यहाँ पर कपड़ा लगाओ। उसे आपने उस तरह से कह के इस तरह से सही तरह से जो है वो अपनी गाड़ी का कपड़ा लगवाना है। कपड़ा लगवाने के बाद क्या होगा, जब बाहर वाली गाड़ी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो फिर आपने क्या करना है उसे वो खुद भी करेगा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने रुक कर उसके ऊपर रुक कर उससे कपड़ा लगवाना है। अंदर आपका डैशबोर्ड है या दरवाज़ों की साइडें हैं या छत है या नीचे जो भी चीज़ें हैं, सीटें वगैरह हैं, जो भी है, अंदर से आपने जो है वो अपनी गाड़ी का रूम क्लियर करवाना है उसे। और कपड़ा जो है उससे कोई साफ़ कपड़ा उसे कहना है आपने कि आप दूसरा कपड़ा यूज़ करें, जो कपड़ा आपने बाहर यूज़ किया है उसको अंदर यूज़ ना करें। और मतलब आपका जो विंड स्क्रीन है उसको भी इनर साइड से भी कपड़ा लगता है, क्योंकि मिट्टी अंदर से भी जाती है। जैसे आप बाहर से उसको विंड स्क्रीन को क्लियर करते हैं, ऐसे अंदर से भी आप उसे क्लियर करवाएं। सारे जो भी आपके शीशे हैं आप उनको अंदर से क्लियर करवाएं, और उसके बाद जो है वो आप अपनी गाड़ी का अंदर वाला रूम जो है वो बिल्कुल जब क्लियर महसूस करें कि आपको लगे कि आपकी गाड़ी का जो अंदर वाला रूम क्लियर हो गया है, तो उसके बाद जो है वो आप अपनी गाड़ी को उतार के आप अपनी गाड़ी को एंजॉय करें, ड्राइव करें, और आपकी गाड़ी आपको जो है वो पहले की सूरत में बहुत अच्छी लगेगी और बहुत मज़ा देगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ और ये बात समझ में आ गई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।